हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मधुस किचन। आज मैं आप सबके साथ कोलकाता की एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड एक चिकन रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 300 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया है, देखिए जिन्हें मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधे छोटे चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही ऐड करूंगी आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक, एक चम्मच हम ऐड करेंगे विनेगर, ये चिकन को सॉफ्ट बनाएगी। एक चम्मच हम ऐड करेंगे सत्तू, ये चिकन के मॉइस्चर को चिकन में ही लॉक कर देगी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मिलाने के बाद अब हम चिकन को कवर कर देंगे और एक घंटा के लिए इसे मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारी चिकन सेट होती है तब तक हम रोल के लिए मैदा गूंद लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मैदा लिया है, उसमें मैं ऐड कर दूँगी आधी छोटी चम्मच चीनी, आधी चम्मच नमक, दो चम्मच हम ऐड करेंगे रिफाइन ऑयल। चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर रेगुलर जैसे पराठा के लिए डो तैयार करते हैं वैसा ही डो बना लेंगे। देखिए डो हमारी तैयार है, अब हम इसे कवर कर देंगे और कम से कम आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ देंगे। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून के करीब तेल। तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। अब हम इसमें मैरिनेटेड चिकन को ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से चारों तरफ फैला देंगे और 5 मिनट तक इसे ऐसे ही धीमी आंच पे पकने देंगे। 5 मिनट बाद चिकन को हम पलट देंगे और इसे इस तरफ से भी 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारी तैयार हो गई है, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ी सी प्याज और थोड़ी सी रेड और ग्रीन बेल पेपर। और अब इन सारी चीज़ों को ज़्यादा नहीं 30 से 40 सेकेंड तक हमें पकाना है चिकन के साथ। देखिए चिकन टिक्कास रेडी हो गई है, अब मैं गैस को बंद करके इन्हें अलग निकाल लूँगी। रोल में ऐड करने के लिए मैंने थोड़ा सा प्याज काट के रखा है, तो उसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे नमक, साथ ही ऐड कर देंगे थोड़ा सा नींबू का रस और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए अब मैंने मैदे से एक गोली बना लिया है, अब इससे हम जैसे रोटी या पराठा बनाते हैं गोल करके वैसे एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। तो देखिए मैंने रोटी बना ली है, अब हम इसे सेक लेंगे। देखिए मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर दूंगी। अब हम इसमें अपने पराठे को ऐड कर देंगे और इसे थोड़ी देर सिकने देंगे। जब तक पराठा थोड़ी सिक रही है तब तक हम एक अंडे को फेंट लेंगे। पराठे के ऊपर हम अंडे के मिक्सचर को डालेंगे। सावधानी से पलट देंगे। ये वाली पराठा तैयार है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। सेम प्रोसेस से मैं दूसरे वाले को बना लूँगी। इस पराठे को भी सेम वैसे ही बना लेंगे। मैं थोड़ा कम तेल यूज़ कर रही हूँ, दुकान में तो ज़्यादा ऑयल यूज़ किया जाता है, लेकिन घर पे बना रहे हैं तो थोड़ा तेल का यूज़ कम ही करेंगे। अब इसे पलट देंगे, इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। ये पराठा रेडी है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। अंडे को ऐड कर देंगे, इसे फैला लेंगे। इस पराठे को ऐड कर देंगे। मैंने आपको 2 प्रोसेस बताया, आपको जो अच्छा लगे उस प्रोसेस से आप इसे बना सकते हैं। अब इसे पलट देंगे और थोड़ी देर इसे इधर से सेक लेंगे। तो देखिए हमारी पराठा रेडी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें हमने जो चिकन टिक्का बनाया था उसे ऐड करेंगे। साथ ही ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, इसे स्पाइसी बनाने के लिए। इस
इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई प्याज जिसका हमने सैलड बना के रखा था। साथ ही ऐड कर दूंगी थोड़ी सी टोमेटो सॉस, चिली सॉस, ऐड करेंगे हम नींबू का रस, इससे पूरा दुकान जैसा हम लोग का फ्लेवर आएगा। इसे फोल्ड कर दूंगी, दुकान का लुक देने के लिए हम इसे एक वाइट पेपर में रोल करेंगे। ये हमारी एक रोल तैयार है। अब मैं एक और आपको ऐसे ही बना के दिखा, चिकन को मैंने ऐड किया था, अब मैं इसमें उसी तरह से प्याज भी ऐड करूंगी। साथ ही ऐड कर देंगे थोड़ी सी टोमेटो सॉस, थोड़ी सी नींबू की रस, इसे मैं थोड़ा कम स्पाइसी बनाऊंगी बच्चों के लिए, थोड़ी सी काली नमक। अब इसे हम फोल्ड कर देंगे। आप सबको दो प्रोसेस बताया, आपको जो अच्छा लगे आप उस प्रोसेस से इसे बनाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कोलकाता स्टाइल एक चिकन रोल तैयार है। आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी होती है। अगर आप सबको पसंद आई हो मेरी रेसिपी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे चैनल से जुड़ी हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे।